दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसका नाम होता है जेनिफर हिल्स, जो निकलती है एक ट्रिप पर। रास्ते में एक पेट्रोल पंप पर वह अपनी कार रोकती है और तेल डलवाती है और उस पेट्रोल वाले लड़के से पूछती है पार्किलियन यहाँ से कितनी दूर है। वह कहता है तकरीबन आधा मील दूर इसी रास्ते पर। जेनिफर कहती है पैर सीधा करना अच्छा लगता है, मैं 3 घंटे से गाड़ी चला रही हूँ। मैंने यहाँ गर्मियों के लिए एक घर किराए पर लिया है एकदम नदी के किनारे, पर मैंने उसे देखा भी नहीं। वह कहता है तुम्हें यहाँ इतना अच्छा लगेगा कि तुम साल भर यहीं रुक जाओगी। फिर जेनिफर उसे पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। जैसे ही जेनिफर अपने कमरे पर आती है सामने नदी को देखकर दौड़कर जाती है और निवस्त्र होकर नहाने लगती है। जेनिफर कमरे में अपने कुछ कपड़े लगा रही होती है और तभी उसे वहाँ एक मोजर मिलता है, उसे वो छुपा देती है। तभी दरवाजे से आवाज़ सुनाई देती है, वह दरवाज़ा खोलने के लिए जाती है तो जो जेनिफर ने सामान ऑर्डर किया था उसे एक लड़का लेकर आया हुआ होता है। जेनिफर उससे पूछती है तुम्हारा नाम क्या है। वह कहता है मैथ्यू लुकस। मैथ्यू कहता है तुम यहाँ अकेली हो। जेनिफर कहती है बिल्कुल अकेली, मेरी सेल्वी के साथ। मैथ्यू कहता है मेरी सेल्वी, क्या वो भी यहाँ पर है। जेनिफर कहती है बिल्कुल यहीं, वो मेरी कहानी का एक मुख्य किरदार है जो मैं लिखने वाली हूँ। जेनिफर उसे एक सेव देती है खाने के लिए, फिर मैथ्यू वहाँ से चला जाता है। मैथ्यू अपने दोस्तों से जाकर कहता है हाय दोस्तों, नदी किनारे एक आइटम आई है। वे कहते हैं पता है, सुबह यहाँ पर रुकी थी। जेनिफर नदी किनारे बैठकर अपनी कहानी लिखती रहती है और तभी उनमें से 2 लड़के आकर नदी में उसके पास बोट घुमाने लगते हैं। जेनिफर परेशान होकर वहाँ से उठकर चली जाती है। जेनिफर रात के समय अपनी कहानी की टाइपिंग करके पढ़ने लगती है। वही लड़के रात में जेनिफर को आवाज़ लगाते हैं। वह बाहर देखने के लिए जाती है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। फिर वह अंदर आ जाती है। अगले दिन जेनिफर बोट में लेटकर नदी में धूप के मजे ले रही होती है। तभी वहां वही 2 लड़के आ जाते हैं और उसकी बोट में रस्सी बांधकर बोट को खींचकर ले जाते हैं। जेनिफर चिल्लाती रहती है और बोट को किनारे ले जाकर जेनिफर को छेड़ने लगते हैं और जेनिफर वहां से भागने लगती है। तभी अचानक एक लड़का आकर जेनिफर को धक्का दे देता है और जेनिफर गिर जाती है। यह वही लड़का होता है जिसने पेट्रोल पंप पर जेनिफर की कार में तेल डाला था और वह तीनों जेनिफर को पकड़ लेते हैं और मैथ्यू को आवाज़ मारते हैं। मैथ्यू भी वहीं होता है। मैथ्यू भी आकर जेनिफर को पकड़ लेता है और एक लड़का जेनिफर का रेप करता है और जेनिफर तड़पती रहती है और फिर वह जेनिफर को छोड़ देते हैं और जेनिफर वहाँ से उठकर जाने लगती है। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वह उसे फिर पकड़ लेते हैं और फिर दूसरा लड़का उसके साथ रेप करता है। जेनिफर की हालत ख़राब हो जाती है। वह बड़ी मुश्किल से घर आकर एक शर्ट पहन लेती है और घिसर घिसर कर टेलीफोन के पास जाती है और फोन मिलाने लगती है। लेकिन तभी एक लड़का टेलीफोन में लात मार देता है क्योंकि वह सभी जेनिफर से पहले वहाँ आ चुके होते हैं और मैथ्यू भी शराब पीकर उसका रेप करता है और वह उसकी पिटाई भी करते हैं और एक लड़का जेनिफर की लिखी हुई कहानी भी फाड़ देता है। इतना सब होने के बाद जेनिफर बेहोश हो जाती है और फिर वे सभी वहां से आ जाते हैं और उनमें से एक लड़का कहता है अरे सुनो, हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। और मैथ्यू को कहते हैं मैथ्यू तुम उसे जाकर मार दो। मैथ्यू कहता है हम ऐसा क्यों करें, हमें जो चाहिए था हमें वो मिल चुका है। वे मैथ्यू को समझाते हैं कि अगर वो जिंदा रही तो वो हमें फंसा सकती है। मैथ्यू कहता है पर मैं क्यों, मैं नहीं जाऊंगा। मैथ्यू को वे डरा धमका कर जेनिफर को मारने के लिए भेज देते हैं और मैथ्यू चला जाता है। जेनिफर बेहोश रहती है पर फिर भी मैथ्यू को बहुत डर लगता है और मैथ्यू जेनिफर को नहीं मारता। जेनिफर के चेहरे पर जो खून लगा रहता है मैथ्यू उससे चाकू लाल कर लेता है और चला जाता है। उसके दोस्त उसका इंतजार करते रहते हैं और मैथ्यू आकर कहता है मैंने उसे मार दिया और फिर सभी वहां से चले जाते हैं। जेनिफर होश आने पर नहाती है और नहाने के बाद बहुत रोती है, उसके चेहरे की भी हालत बिगड़ चुकी होती है।
धीरे धीरे जेनिफर ठीक होने लगती है। एक दिन जेनिफर नदी किनारे बैठी रहती है तो नदी में उसकी बोट तैरती रहती है। वह उस बोट में से वह रस्सी निकाल लेती है जो उन लड़कों ने उसकी बोट में बांधी थी। जो कहानी के पन्ने उस लड़के ने पारे थे, जेनिफर उन कहानी के पन्नों को भी टेप लगाकर जोड़ती है और फिर दोबारा से उन पन्नों पर लिखी कहानी की टाइपिंग करती है। एक दिन वही चारों लड़के बार में बैठकर कुछ पी रहे होते हैं। वे कहते हैं, 2 हफ्ते हो गए हैं जेनिफर को मरे हुए, अब तक उसका शरीर सड़ गया होगा। और उनमें से 2 लड़के बोट में बैठकर नदी में घूमने के लिए जाते हैं। तभी उन्हें किनारे बैठी जेनिफर दिख जाती है और वे कहते हैं, अरे ये तो वही है, इसका मतलब मैथ्यू ने हमसे झूठ बोला, ये तो जिंदा है। और वे मैथ्यू को आकर पीटने लगते हैं और फिर उसे भगा देते हैं। जेनिफर मोजर निकालकर और कार में बैठकर चर्च जाती है और चर्च में जाकर कहती है, क्षमा कर देना मुझे, क्षमा कर देना मुझे, इतना कहकर आ जाती है। फिर जेनिफर घर आकर कुछ सामान ऑर्डर करती है। मैथ्यू जेनिफर के घर सामान लेकर जाता है लेकिन वह बहुत डरा हुआ होता है। जेनिफर घर के बाहर खड़ी रहती है और मैथ्यू को आवाज लगाती है। मैथ्यू जेनिफर की आवाज सुनकर डर जाता है और साइकिल छोड़ देता है। जेनिफर जंगल की तरफ चली जाती है। मैथ्यू भी जेनिफर के पीछे चला जाता है और मैथ्यू चाकू निकाल लेता है। जेनिफर मैथ्यू को अपनी बातों में उलझा लेती है और उसे किस करने लगती है और मैथ्यू के गले में अचानक रस्सी का फंदा डालकर पेड़ में लटकाकर खींच देती है और मैथ्यू मर जाता है। फिर जेनिफर मैथ्यू और उसकी साइकिल को नदी में डाल देती है और मैथ्यू का वो चाकू वहाँ से उठा लेती है। जेनिफर घर आकर ऑर्डर वाले पर फोन करके कह देती है कि मैंने 1 घंटा पहले ऑर्डर किया था, अभी तक नहीं आया। अगले दिन जेनिफर उस पेट्रोल पंप वाले लड़के के पास जाती है और उसे कहती है, मेरे साथ चलोगे? वह हाँ कर देता है और कार में बैठ जाता है। जेनिफर कार एक जंगल में ले जाती है और वहां जाकर उस पर मोजर तान देती है और कहती है, अपने कपड़े उतारो। वह डर के मारे सारे कपड़े उतार देता है। वह कहता है, देखो ये जो तुम्हारे साथ हुआ कोई भी आम मर्द कर सकता था, तुम ही मर्द को ये सब करने का बुलावा देती हो। और वो उत्तेजित हो जाता है, देखो वो शादीशुदा हो या नहीं लेकिन है तो मर्द ही ना। जब पहली बार तुम पेट्रोल पंप पर आई थी और तुमने अपनी खुली जांघों का प्रदर्शन किया था आगे पीछे चलकर मुझे दिखाने के लिए, और फिर तुम्हारा उस छोटी बोट में बिकनी में पड़ा रहना जैसे इंतजार। जेनिफर उसकी बातों में आ जाती है और वह उससे मोजर छीन लेता है। जेनिफर कहती है, आओ मैं तुम्हें नहलाती हूँ, और उसे वह अपने घर ले आती है और घर लाकर जेनिफर उसे नहलाने लगती है। वह मजे मजे में अपनी आंखें बंद कर लेता है और नीचे से चाकू उठाकर जेनिफर उसका लिंग काट देती है और फिर दरवाजा बंद कर देती है। वह खूब जोर जोर से चिल्लाता है, कोई डॉक्टर को बुलाओ, खून बंद नहीं हो रहा, मर जाऊंगा मैं, मुझे बचाओ। जेनिफर बाहर बैठकर बड़े आराम से उसकी चीखें सुनती रहती है। वह दरवाजे में धक्का मारता है पर दरवाजा नहीं खुलता, वह तड़प तड़प कर वहीं मर जाता है। जेनिफर उसके कपड़े जला देती है और उसे ठिकाने लगा देती है। इधर पेट्रोल पंप पर उसकी पत्नी उसका इंतजार करती रहती है। वो उन दोनों लड़कों से पूछती है, कहाँ है मेरा पति? पर वे कुछ नहीं बोलते, वो उन दोनों लड़कों को वहाँ से भगा देती है। वे दोनों बोट में एक कुल्हाड़ी लेकर निकल जाते हैं। उनमें से एक लड़का बोट में से उतरकर कहीं छिप जाता है और एक बोट में बैठा हुआ जेनिफर को ढूंढता है, लेकिन जेनिफर उसे पहले ही देख लेती है और नदी में नीचे नीचे तैरकर उसकी बोट में चढ़ जाती है। जेनिफर उसे बोट में से नदी में धक्का दे देती है और बोट उसके चुगर्दे को घुमाती रहती है और वह मदद के लिए अपने दोस्त को पुकारने लगता है। उसका दोस्त जेनिफर को मारने के लिए कुल्हाड़ी से वार करता है लेकिन उसकी कुल्हाड़ी बोट में ही गिर जाती है और वह नदी में अपने दोस्त को बचाने के लिए जाता है तो जेनिफर उस पर कुल्हाड़ी से वार कर देती है और वह मर जाता है। और जेनिफर उसके दूसरे साथी को भी मार देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। कहानी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी से पता चलता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे।